खाली कर देंगे। अब चलते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉर्ड एंड बियॉन्ड। सो यार, हम कल थे जोधपुर पिछले व्लॉग में, मतलब आपने देखा, और अब हम आ चुके हैं अजमेर, क्योंकि हम जा रहे हैं द फेमस होली ऑफ पुष्कर देखने। तो इस व्लॉग में आप बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। आज जो डेट है, टुडे इज 6th of March एंड 7th of March में होली है। आई नो पूरे इंडिया में 8 को बोला जा रहा है, बट राजस्थान में मैंने सुना, जैसे मैं जोधपुर पहुंचा कि 7 को पुष्कर में होली सेलिब्रेट हो रही है। तो इस बार का यार माहौल ऐसी है, कंफ्यूजन है यहाँ पे कि 7 को होगी 8 को होगी, बट राजस्थान में पुष्कर की होली जो फेमस है वो 7 को मनाई जाएगी। तो अब व्लॉग में मिलते हैं आगे। अभी अजमेर में है तो 20-25 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने में वहाँ पे पुष्कर में, एंड वहाँ जाके स्टे वगैरह देखेंगे कि होटल कैसा होगा। तो चलिए मिलते हैं आगे एंड देखते हैं कि कैसा होने वाला है व्लॉग। पुष्कर की आरती देखने जा रहे हैं 6:30 बजे। पुष्कर की आरती देखने, सनसेट पॉइंट पे जा रहे हैं अभी। और कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर होगा। हाँ, 5-7 मिनट वॉकिंग है। अच्छा, चलो चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको माहौल कैसा है। दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक शो होने वाला है। नगाड़े वगैरह आ चुके हैं ये सामने, ये देखिए पूरा सेटअप कर रहे हैं। कार्यक्रम है वो देखिए, अब आवाज़ आ रही होगी आपको। अभी हम वहाँ पे थे, आपने पूरा वीडियो देखा, अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अभी आरती होगी, और अभी कितना बोला तुमने, कितने लाख दिए होंगे? सवा लाख। तो 7 लाख यहाँ पे दिए होंगे। अब वो देखिए वो लड़की वहाँ पे दिए लगा रही है, और ऐसे पूरे घाट में ऐसे 7 लाख दिए होंगे। तो ये आरती काफ़ी फेमस है ना यहाँ की? हाँ, ये होली स्पेशल है यहाँ की। अच्छा, होली स्पेशल है। तो ये होली स्पेशल है आरती, 7 लाख दिए नहीं लगते। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है ये देखो। वो देखिए वहाँ पे वो म्यूजिक वाला चल रहा है। हम तो थोड़ा दूर आ गए, हमने शूट कर लिया था क्योंकि, बट वो देखिए कितने लोग इकट्ठे हो रखे हैं, एंड माहौल देखिए घाट बहुत बड़ा है, वो उधर तक लोग ही लोग हैं साथ में। चलिए अब देखते हैं, सीधा आरती में मिलते हैं। होलिका दहन पुष्कर। बहुत ज़्यादा गर्म है बस भाई, हो गई अपनी प्रक्रिया पूरी। प्रक्रिया डर होली का दहन भी देख लिया हमने, पुष्कर का जबरदस्त। कैफे सारे फुल, छतों में लोग खड़े हैं, ये देखिए भीड़, एक के बाद एक बंदे आते ही जा रहे हैं, कोई कमी नहीं है लोगों की। इतनी ज़्यादा ये फेमस है पुष्कर की होली, ज़बरदस्त माहौल, ज़बरदस्त। वाराघाट चौक के पास बगल में ही वाराघाट है, अब वहाँ जा रहे हैं हम। काफ़ी काफ़ी ओल्ड लुक है इसकी वाराघाट की ना भाई, है बिल्कुल नीचे बैठा है, बिल्कुल माहौल। और वो वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म टाइप बना रखा है ना, तो लोग खड़े हुए हैं ताकि स्नान वगैरह करते हैं। पर यहाँ पे पता है एक चीज़ है, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार में क्या होता है, नदी में साइड में सीढ़ियाँ निकली हुई थोड़ा बहुत नाती है, पर यहाँ पे एक स्पेस जो ब्लॉक बनाया हुआ हाँ उसके अंदर ही उसी ब्लॉक के अंदर, उसी के अंदर बाकी तो बहुत गहरा होगा। ठीक है, 7 लाख दिए इस तरह के, ये देखिए वो सामने पूरे घाट पे चलते हैं, ज़बरदस्त माहौल। जब अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने मुझे क्लिप देखी थी ना, जहाँ पे म्यूज़िक आ रहा था, वो मतलब बजा रहे थे ट्रेडिशनल म्यूज़िक, तो वो सामने की साइड था, उधर वो उस साइड पे
तो आरती इस साइड हो गई, हम उस साइड रह गए उस टाइम, तभी मैं आपको आरती भी थोड़ी देर पहले दिखा नहीं पाया क्योंकि हमें पता ही नहीं लगा किधर साइड हो रही है। एंड वो उधर है ब्रह्मा जी का मंदिर जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त पीसफुल जगह है ना यार। वो उधर है वो ब्रह्मा जी का मंदिर। अच्छा वो उधर है? हाँ उधर वो सामने उधर। ठीक है तो मुझे लग रहा है कल ही जा पाएंगे हम, अभी तो नहीं जा पाएंगे, कल सुबह सुबह चलेंगे, कल सुबह सुबह उसके बाद होली खेलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, 7-8 बजे स्टार्ट हो जाती है सुबह आप लोगों के लिए, तो खैर 5 सेकंड की बात है हमारे, अभी हमें वेट करना पड़ेगा 10-12 घंटे, उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि इकलौता है इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में। बाकी का ज्ञान मैं दूंगा, क्यों है क्या है वो कर लेना आप गूगल। भाई 11 बजे का सीन, 11 बजे का और ये रवि भाई रंग लेते हुए, कितने का है रवि ये पैकेट? 50 का एक। ठीक है बस अब करेंगे कुछ ही देर में होली शुरुआत, तो भाई होली की शुरुआत रवि भाई को रंग लगाएंगे आज। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। तो भाई हमने भी होली की शुरुआत कर दी एक दूसरे को रंग लगा के, अब चलते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। कहाँ से हो भाई आप? मुंबई। मुंबई, मुंबई से ही आए हो? क्या झाला, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। तो भाई मस्त माहौल, किसी के भी रंग लगाओ, बस यही है यहाँ का माहौल। क्यों भाई किसी को जानते नहीं हो, बस और हैप्पी होली। आज तो जबरदस्त मजा आने वाला है, क्यों रवि भाई? अल्टीमेट बहुत जबरदस्त। भयंकर मस्ती भाई है, फुल मस्ती है इधर, देख लो भाई क्या होती है पुष्कर की होली, इसलिए बोलते हैं पुष्कर की होली। अब हम आए हैं ब्रह्मा जी के मंदिर, अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा मंदिर के अंदर। भाई अभी ब्रह्मा मंदिर गए थे तो अंदर तो रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो हमने तो दर्शन कर लिए, शॉर्ट्स अभी आ रहे होंगे, थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अब आ चुके हैं हम होली मेला में, है ना रवि? होली मेला, मेला ग्राउंड, मेला ग्राउंड। अब देखते हैं वहाँ पे क्या है, थोड़ी म्यूजिक की आवाज़ तो आ रही है।
भाई ये हिसाब किताब है इस बार पुष्कर की होली का मेला ग्राउंड में। जबरदस्त माहौल भाई, भीड़ देख लो आती जा रही है, रुकनी नहीं है, कंटिन्यूअस। चलो करते हैं आगे एक्सप्लोर और देखते हैं। भाई गलत माहौल है गलियों में तो, गलत माहौल बिल्कुल। हाँ लोकलाइट भाई, लोकलाइट में आके भयंकर होली खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग आते हैं। हाँ हाँ नहीं, फॉल के अंदर सारा खेलते हैं, राजस्थान के लोग तगड़ी होली खेलते हैं। क्या बोलूँ भाई, क्या आँखों में डाल दिया। सन्नाटे, 2 मिनट तक सांस में गुलाब आ रहा था। ऐसी है भाई, आते चलते कहाँ से रंग आने को पता नहीं लग रहा, रंग लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पहले की ट्रांसपार्टी इधर ही होती है, ये चौकी तो है, अब मेले में होने लगी है ना, तो यही था यार एरिया वो जहाँ पहले ट्रांसपार्टी होती थी। Moments later. दोस्तों आज की शाम का आखिरी कार्यक्रम अमित त्रिवेदी का कॉन्सर्ट है आज, वो रही सामने स्टेज जा रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस ये है कि VIP सेक्शन अलग है, बाकी जनरल ऑडियंस का अलग है। चलिए देखते हैं आगे कैसा माहौल है अमित त्रिवेदी के कॉन्सर्ट में। आई रुकावट के लिए खेद है, बारिश आ गई एकदम, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। और कितना चला होगा, 20-25 मिनट चला, 20-25 मिनट में त्रिवेदी जी चले गए, जाना पड़ गया उनको भाई, उन्होंने कहा फिर ओला नहीं मिलेगी। वो चले गए, बारिश हो रही है, तो अब जा रहे हैं हम आगे कैफे वगैरह में कुछ खाएंगे पिएंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी आखिरी डेस्टिनेशन में इस राजस्थान सीरीज की। तो अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि हम अमित त्रिवेदी के वो कॉन्सर्ट में थे पुष्कर के अंदर, मतलब जो कल की रात थी हमारे लिए, आपके लिए तो खैर ज़्यादा देर नहीं हुई, तो बारिश होने के कारण यार हम वहाँ पे तो व्लॉग को एंड नहीं कर पाए, क्योंकि बारिश हो गई थी, मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, और थोड़ा मतलब भगदड़ सी हो गई थी, लोग जा रहे थे घरों को वापस जल्दी, तो प्लान पूरा चेंज हो चुका था। तो मैंने कहा चलो व्लॉग को एक अच्छी लोकेशन पर एंड करेंगे। सो राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज द फेमस अन्न सागर लेक ऑफ अजमेर, एंड मैं आपको थोड़ी सी इसकी बात बता देता हूँ। 13 किलोमीटर का इसका एरिया है इस लेक का, एंड ये अर्नो राजा हु वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ महाराज पृथ्वीराज, तो उनके पृथ्वीराज चौहान उनके ग्रैंड फादर थे वो, उनके नाम पे ये लेक है, उन्होंने ही अपने एरिया में बनाई थी। तो 1135 से 1150 AD के बीच में ये लेक बनाई गई थी। सो यही है यार, यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो, भीड़ देख सकते हो, सुबह सुबह ही भीड़ कितनी आनी शुरू हो गई, अभी सुबह का 10-11 बज रहा है। सो दिस वॉज इट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा पूरा ये सीरीज़, जिसमें कि हम पहले जोधपुर एक्सप्लोर करा, फिर उसके बाद पुष्कर की द फेमस पुष्कर होली देखी हमने। तो अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड कमेंट में हैप्पी होली लिखते जाना। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए सफ़र पर।